जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो देखिए, रेवाड़ी में एक गरीब आदमी की रेहड़ी जलाकर राख कर दी गई है। एक शर्फीले गुस्सेल व्यक्ति ने एक कामगार की रेहड़ी जलाकर राख कर दी। देखिए, रेवाड़ी में खाना मिलने में देरी को लेकर मारपीट की गई है। रेवाड़ी जिले के बावल कंपनी एरिया में स्थित IMT में एक ठेले पर खाना मिलने की देरी की वजह से एक ग्राहक ने पहले ठेले वाले से झगड़ा किया, फिर रात के अंधेरे में ठेले को आग लगा दी, जिससे ठेले में रखा गैस सिलेंडर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। बावल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, राजस्थान के गाँव बीजवाड़ा निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह बावल के कंपनी एरिया में स्थित एक कंपनी के बाहर रोटी सब्जी का ठेला लगाता है और बनीपुर में किराए के मकान में रहता है। कुछ दिन पहले उसके ठेले पर खाने के लिए एक युवक आया। खाना देरी से मिलने पर उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उसे सबक सिखाने की धमकी दी। अगले दिन वह आरोपी अपने दोस्तों के साथ उस ठेले पहुंचा और धमकी दी वह उसका ठेला यहाँ नहीं लगने देगा और उसके ठेले में आग भी लगा देगा। देखिए, उस समय तो लोगों ने उनका झगड़ा शांत करवा दिया, लेकिन शाम को वह अपनी रेहड़ी को बंद करके घर जा रहा था, चला गया। सुबह जब मैं रेहड़ी पर पहुंचा तो उसकी रेहड़ी पूरी तरह से जली हुई थी और उसमें रखा गैस सिलेंडर व अन्य सामान भी जल चुका था। जब उसने पड़ोस में लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी तो उन्हें पता चला कि सुबह 4:15 बजे जो आरोपी है वह उसकी रेहड़ी के पास पहुंचा और उसमें आग लगा दी, जिससे उसके करीब 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंची और CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहे, हमारे चैनल को देखना न भूले। धन्यवाद।